जीवन में सफल होना है तो सुबह 5 बजे उठने की आदत डालो। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग मेरे पास में आते बोले नींद कितने घंटे लेना चाहिए। मतलब भाई नींद आप 6 से 7 घंटे ले सकते हो, नींद कितने भी ले लो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, मगर सुबह उठना चालू करो। स्टूडेंट्स आते हैं, रात भर पढ़ाई करते रहते हैं और सुबह कोई 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठने वाले लोग हैं। कोई बिजनेसमैन है, वो सवेरे 9-10 बजे उठेंगे, 12-1 बजे बिजनेस को जाएंगे। कुछ हाउसवाइफ जो है, होम मेकर्स, वो भी 8:30-9 बजे उठने वाली है। होता क्या है कि जब ये लोग उठते हैं तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका आधा काम हुआ रहता है। सुबह उठने के फायदे ये है कि सुबह आप जब उठते हैं तो आपका मन बहुत फ्रेश रहता है, और फ्रेश जब मन होता है तो आप सवेरे सवेरे मेडिटेशन कर सकते हो, उस समय एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि सुबह काफ़ी रहता है। अच्छा, तो उस समय अच्छा लगता भी है और मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई अच्छी किताबें आप सवेरे पढ़ सकते हो, अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो आप सुन सकते हो, देख सकते हो, और अपना लाइफ का प्लानिंग कर सकते हो। कुछ अच्छे डिसीजन आपको लेना है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अपना दिन कैसा जाएगा उसके बारे में आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लान बनाना है तो वो बना सकते हैं। और सुबह सुबह कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो भी सुबह उठने वाले होते हैं, उनसे बातचीत करके अपने जो काम है वो पूरे कर सकते हैं। तो जो सफल लोग हैं ना, उनका सुबह 9 बजे तक का टाइम ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा काम वो कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे कि बहुत रात जगेंगे, सुबह आराम से उठेंगे और फिर आलस बहुत रहेगा, सवेरे 9, 9:30, 10 बजे उठने के बाद में या लेट उठने के बाद में, समझो 8 बजे भी उठते हैं तभी भी उनका दिन चालू होने को, मतलब काम काज चालू होने को 10:30-11 बज जाते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करो। आपको सफल होना है तो सफल आदमी क्या करता है, सफल आदमी डिसीजन लेता है, वो आप जल्दी सवेरे ले सकते हैं। आप जब सवेरे उठते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहेंगे। मुझे ये नहीं बोलना है कि आप कम नींद लो, मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्दी सो जाओ। आप ये देखिए कि जीवन में जो भी सफल लोग हैं उन्हें एक ही काम किया है कि जल्दी सो जाते और जल्दी उठ जाते है ना। मराठी में कहावत है कि लवकर लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति भेटे। इसका मतलब है कि जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है तो उसको बहुत ज्ञान और उसको बहुत संपत्ति मिलती है। तो आपको सफल होना ही है, मुझे पक्का पता है। और आपको कोई भी मानसिक बीमारी से बचना है तो एक टाइम टेबल बना लो। वो टाइम टेबल ऐसा कर लो कि भाई फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना, क्योंकि ब्रेन को जो है ना अपनी बहुत ऐसे आदत लगा दिया, मतलब आदत देना पड़ता है, लगा के देना पड़ता है कि जिसमें वो बराबर सेट टाइम पे सोएगा, सेट टाइम पे उठेगा। और उसको एक ऐसा है कि जितना लेट उठेंगे दिन खुलने के बाद में उतना ब्रेन फ्रेश होने को बहुत टाइम लगता है, मतलब एक्टिव होने को बहुत टाइम लगता है। सवेरे जल्दी उठेंगे, जल्दी एक्टिव हो जाएगा ब्रेन। तो आपको सफल होना है, आप जल्दी उठना चालू करो, मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सरसाइजिंग, कुछ अच्छे डिसीजंस, अपना खुद का काम फटाफट कर लेना, प्लानिंग कर लेना। मतलब आप बाकी लोग उठने के पहले आपका आधा काम दिन का हुआ होगा, आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, शांति मिलती है दिमाग में। बाकी लोग उठना मतलब उठने के पहले आप उठ जाते हो तो, और आप लीडर है, आप जब सुबह उठ जाते हो तो घर के लोग भी उठेंगे, उनको भी अच्छी आदत लग जाएगी। आपका स्टाफ है, आपके बाकी जो लोग हैं काम करने वाले, वो भी जल्दी उठेंगे और आपके साथ साथ काम करना चालू हो जाएंगे। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो घर है, आपका सभी मतलब पूरा जो भी कुछ है वो सब आगे बढ़ने में सहायता हो जाएंगी। तो आज से सुबह 5 बजे उठना चालू करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।